स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर लुकिंग लाइक फॉर इन दीस कंटेस्टेंट्स? फॉर मी पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट है जब कवर स्टार की बात हो रही है तो जो भी सिंगर्स हो कि एकदम प्रोफेशनल सिंगर्स के पास है, क्लासिकली ट्रेंड बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, पर जो मुझे प्लेबैक सिंगर की तरह साउंड करता है और ऐसा लगता है कि ऑडियो प्ले हो गया है, प्रोफेशनल ऑडियो, मेरे लिए वो विनर है। First of all, it's not easy to get up and perform live like that. So first of all, I want to say congratulations to all five. You guys are seriously amazing. I've done so many competitions when I was younger, so I know how nervous you can get and how it affects your performance, and you only have one shot. That being said, I just kept picturing the contestant on stage at Mirchi. I have been there, so I've seen the stage and how big it is, and the audience is all watching you. So people who had the confidence, I think for me, confidence was number one today. Criteria. Right. The bros, aap logon ne itne shows kiye hain. I really have to ask, aap logon ne itne shows kiye hain with such a huge audience. To be on that stage, knowing that the audience is looking at you and they must be looking at you with adulation. मतलब वो आपको देख रहे हैं because वो आपसे इतना प्यार करते हैं. But कहीं वो play करता है कि इतने लोग हमारी तरफ देख रहे हैं. मतलब जिस तरीके से हम गा रहे हैं, perform कर रहे हैं, or you just completely like switch off with what the audience might be thinking. See, to begin with, for these guys, I have to tell you that we guys are from the Chitra Har days. Okay, we are not as young as we look, and you guys are super blessed because हमारे time पे smule होता नहीं था. So I think it's an amazing platform and it's a great way to come here. And second thing is that hamare time pe, matlab you saying about the live shows, so when we perform we guys completely switch off. For us the reason, we have no background of any music of whatsoever from our family, so the reason we are in this industry is because we used to love dancing and singing on table chairs in our parties. To aaj tak hamare liye wohi hai ki yaar chalo stage pe chadh gaye and let's start. इसको और अच्छे से मैं बता देता हूँ कि हम जब छोटे थे, जब हरमीत 4 साल का था और मैं 6 साल का था, तो उस जमाने में हरमीत बहुत अच्छा डांस करता था, कैबरे भी बहुत अच्छा करता था, तो ये कुर्सी पे खड़े होकर कैबरे करता था और डिस्को इफेक्ट्स के लिए मैं लाइट को ऑन ऑफ करता था, तो लाइट ऐसे हो रही थी और पिया तो चल रहा होता था. सो हम बचपन से ही एंटरटेन कर रहे हैं, हमारे जो घर पे सर्वेंट्स होते थे कहते थे तालियां बज रही है, तो बचपन से वो मजा आता था. एक के तो वो नर्वसनेस नहीं होती, जैसे आउट ऑफ एवरीबॉडी वाज ग्रेट, ऑल द परफॉर्मर्स वर अमेजिंग, बट व्हेन लाइक फॉर एग्जांपल जैसे वो जीशान जब आए स्टेज पे तो पता चल रहा था कि ये बहुत ज्यादा परफॉर्म कर चुके हैं. जब एक परफॉर्मर इतना स्टेज को परफॉर्म कर चुका होता है तो फिर वो वेट कर रहा होता है मुझे मौका मिले, नर्वसनेस नहीं होती. फिर हम तो मर रहे होते हैं, भाई कोई तो भेज दो, हमें कोई खड़ा कर दो यार, कोई कर रहा है अरे अभी 1 घंटा, अरे नहीं तो हमें भी भेज दो यार. It's like that. So we've reached that level now that we are waiting. कोई तो हमें सुन ले, कोई हमारा performance देख ले. So that was the best part about these guys, that कहीं nervousness भी थी, कहीं confidence भी था. But हम हमेशा एक पूरा package देखते हैं. एक perform singer जो होता है उसका सिर्फ, जैसे Tony ने कहा कि most important दो तरीके के mic की singing होती है, एक होती है studio की और एक होती है live. दोनों अलग हैं, दोनों अलग दुनिया हैं. ऐसा नहीं जरूरी है कि जो बहुत कमाल का गा रहा है live में वो studio में उतना अच्छा गाएगा, वो studio में आके fail हो जाता है. So it's important कि दोनों की mastery जरूरी है. और उसको मास्टर करने के बाद परफॉर्मेंस शुड बी नेचुरल, यू शुड बी एबल टू परफॉर्म. कनेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर परफॉर्मर. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट बोथ ऑफ अस वर लुकिंग एंड वी फाउंड द वन दैट वी थॉट हैज इट. बट टू सम इट अप, वी वुड से दैट विनर तो होगा ही ऑब्वियसली आप लोगों में से, बट वी वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट दे शुड हैव अ म्यूल बैंड बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सो गुड. तो दे शुड जस्ट लाइक, जैसे पहले वीवा और बैंड ऑफ वॉइस टाइप आते थे, तो आई थिंक वो पांचों का एक बैंड बना के रिलीज कर देना चाहिए. एवरीबॉडी शुड बेनिफिट आउट ऑफ इट. सुकृति प्रकृति, देयर वाज दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट वी गॉट इनटू कि द चॉइस ऑफ सॉन्ग, राइट? इन पांचों ने जो गाने गाए हैं लाइक वेरी वेरिड. कोई इंडी पॉप गाना गा रहा था, कोई एक सिंगल गा रहा था, समबडी सैंग अ फिल्म सॉन्ग, somebody sang a song which has been like a classic, like Kaisi Paheli Zindagani. Does, for a stage like this, the choice of song also play a huge, huge factor? I think, yeah, when you have 2 to 3 minutes on stage, I think you have to put out your best act, and choice of song is literally that. You can sing much better, but agar aapne wo 2 minute mein wo gana nahi gaya, that can, you know, you can prove yourself, and then the point is gone right there. But I understand the nerves, kyunki hum dono ne बहुत सारे कॉम्पिटिशन स्कूल एंड कॉलेज में एक साथ किए, एंड गेस्ट की वजह से देयर वाज नो स्टेज फ्राइट ओनली बिकॉज़ हम स्कूल में थे, फिर कॉलेज में थे, वी वुड डू एनीथिंग टू जस्ट गो रन ऑन द स्टेज एंड सिंग.
Like that was our thing to do, and I completely relate when you talk like that. Sorry to cut you. इन्हें हमने इनको तब से देखा है जब दोनों हाथ पकड़ के गाते हैं. I think my first studio recording was with the two of them. मुझे पता भी नहीं था studio कैसे दिखता है. I'll share something very funny. So today that we know how to sing on grade and we know how to sing on tempo is because of them. Absolutely. क्योंकि हमारा first studio experience इनकी studio में था, and उन्होंने बोला था कि अगर वो टेम्पो सुनाई नहीं दे रहा, जस्ट होल्ड योर हैंड, दिस इज व्हेन वी गो टू बैकिंग वोकल्स इन द कोरस लाइक दैट, यू कॉल इट लाइक दैट, बिकॉज़ इफ यू टैप योर फुट तो आवाज आती है, क्लिक भी नहीं कर सकते, सो वी हैव लिटरली हेल्ड आवर हैंड्स एंड फेल्ट द टेम्पो लाइक दैट, एंड थैंक्स टू देम, दे ऑलवेज टॉट अस द ट्यूनिंग इन ब्रदर्स एंड द ट्यूनिंग इन सिस्टर्स व्हाट इट रियली मींस, एंड आई थिंक बिकॉज़ नाउ ऑल आवर कॉन्सर्ट्स ऑल आवर गिग्स आर टुगेदर, सो आई थिंक दैट टेलीपैथी हैज ग्रोन एंड ग्रोन जस्ट फॉर फन. But I think big congratulations to everybody. जो भी गाना जिसने भी सिलेक्ट किया था, I think it's what you are and the song selection is like who you are and what you want to sing for the first time. So that's really commendable. But I think both her criteria, I would say, was to look at, you know, not just audio but audio visual. क्योंकि Mirchi Music Awards हैं and it's also how you present yourself and not just how you sing behind the mic. So that is how we judged it. All right, and now with that, of course, we come to the winner of the Spule Mirchi Cover Star, co-part by MobiQuick. Like they said, it's the Mirchi Music Awards stage. The who's who of the music industry, the movie industry would be there. So, कौन? Okay, मैं नहीं करूँगा. आप में से कौन करना चाहेगा ये honors? Let's get the girls थोड़ा सा आगे. गर्ल्स पे गुस्सा कम आता है. सो वी हैव द विनर. डू वी हैव एनी गेसेस एट ऑल? नॉट समबडी. वी हैव फेवरेट्स. वी ऑल हैव फेवरेट्स, राइट? यस, वी हैव. या या या, 6 जज हैं और 5 कंटेस्टेंट्स. बहुत निर्भर से. ऑलराइट, द विनर अभिजीत सावंत. The cover star Mirchi winner is Ashmik Patil. Congratulations. Jaldi, jaldi. Idhar se, idhar se. Aaj hai koi kuch nahi. Bro from samne hai. Aaj main todwa lena kuch ek hi hafte mein tumhe stage pe jana hai. Ladies and gentlemen, the winner of the Spule Mirchi Cover Star, co-part by MobiQuick, Ashmik Patil. I don't know what to say. But do say something. It'd be nice. Oh. Bhai jeet gaya ab to. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Thanks to the team and thanks to everyone, Zeeshan and all the other contestants. Everyone are very talented. I mean, I'm so blessed. I'm so honored with this award. Thank you so much. Chaliye, achhi wali speech ho gayi. This is a good speech. Now tell me, last night, what time did you go to sleep? 4 a.m. 4 a.m. Yeah. And I'm sure thoughts aa rahe honge dimag mein ki yaar kal competition hai. Kahin na kahin ek thought aaya hoga. Agar main jeet gaya to. नहीं सोचते, उससे ज्यादा मेहनत करते हैं और बेटर गाएंगे कल तो अच्छा ही हो जाएगा. सो आज तुम्हारे रात का 4 बजे का सीन सेट है. आज सोचना, जीत गया हूँ तो मुझे क्या करना है. Superman, brilliant, amazing, congratulations. And also a huge, huge congratulations to our four other finalists. I think हमारे जो बाकी 4 finalists हैं, उनके बारे में भी अगर आप कुछ. By the way, we have to tell you that it took us about 10 minutes because all of you are so good. ऐसा नहीं था कि सबने जाते ही बोल दिया अश्मित, ऐसा नहीं हुआ. वहाँ पे बहुत झगड़े हुए. फिर eventually, you know, whatever it took a lot of time for us to actually decide because you all were so good. Okay, so you all are winners. Yeah. Tony? I would say बहुत congratulations भाई आपको. बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है जीतना. पर आप लोग कमाल के सिंगर्स हो और सबसे कमाल की बात है कि ना जीतना भी अभी उतनी अच्छी बात है क्योंकि करेंटली इंडिया इज नंबर 1
मेल सिंगर एंड फीमेल सिंगर अरिजीत सिंह एंड नेहा कक्कर दोनों रियलिटी शो में गए थे और दोनों विनर्स नहीं हुए थे, तो आप में से कोई भी नहीं नहीं पर जो जीते हैं वो तो भाई देखो जीते हैं तो सब कुछ तो मिल ही गया, पर फिर भी इतना अच्छा अगर वो गाते हैं और फिर उनको विनर नहीं बनता तो मुझे तो दुख होता है। तो अमेजिंग अमेजिंग सिंगर्स, मतलब मैंने यकीन नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि इस म्यूल पे प्रोफेशनल सिंगर्स इतने कमाल के होंगे। आप लोग अमेजिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे लिए तो वो भी विनर्स ही है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट एवरीबॉडी इज दैट एवरीबॉडी हैज अ स्टाइल and none of you all were copying anybody, you know, we weren't like, oh, this one is sounding like this or this one is sounding like that. So that's the best part. I think the only way everybody is getting to sing today is because they're just being themselves. So I think keep doing more of that and congratulations. Super. I think the for me winding up is that definitely congratulations to you. You're super. But for us, we believe that everybody is a winner and all five of you are invited to meet Brother Studio and come and meet us, and we'll leave it to time that how and where we can reach, but we definitely believe in one thing, we'll try. Okay, we tried with Suku and... Yeah. And if you don't see that, you can go on the Instagram and see how the auditions happen, because I do that. Yeah, so you guys are all invited to our studio, post Valentine's, till Valentine's we have tried. I think everybody covered it, but hopefully we'll see you next year. Don't lose faith. We'll see you soon. And I think I'm going to meet you all on Smule because I haven't used the app. Duets together. Yeah, so we're going to do duets together very, very soon. Okay, once again, congratulations to Ashwin Patil from Mumbai for winning the first ever Smule Mirchi Cover Star co-powered by MobiQuick. And of course, thank you to our judges, starting from Tony to the Meat Bros to the gorgeous Janita Gandhi to the gorgeous Sukriti, and man, aap dono ke liye tino ke liye nahi bol sakta tha, gorgeous nahi bol sakta tha, thoda ajeeb lagta, but thank you so much. I believe there's a press conference with the media, so I think you'll have to move there, but thank you so much, ladies and gentlemen, for being a part of such a musically wonderful afternoon. Thank you. Yahi pe okay, Ashmik tour mein chalte hain yaar, inko yahi pe rehna padega, hum log chalte hain and there are things that I need to talk to you about. So Janita, how was this evening, afternoon today? Yes, how was it? Like so many talents, five talents. It was a lot of fun. I don't get the opportunity that often to judge or critique singers. So it was a lot of fun hearing such amazing talent through Smule, so it was fun, and meeting my friends and judging with them. Okay, so how was the what do you feel like, how was the competition, was it tough to judge according to you, because being in a judge panel there is a lot of responsibilities, you know? So how was it, was it tough? Yeah, it's a lot of responsibility for sure, and I think the pool of contestants was 11,000 initially, so I'm very glad that they successfully picked five amazing finalists. For us, that made it very tough because everybody was so good. They were singing such beautifully and such beautiful songs and so well. So it was tough, and we did have to deliberate the judges, but I think we picked the right one. Okay. These days, you know, there are many platforms which, like Smule, they offers, like, there are many new talents who get good opportunity for coming up. So what do you think, like, nowadays people get more opportunities, like they don't have to struggle much? No, I think the struggle that hasn't changed. Everybody has to struggle and work hard. But yes, there are more resources, but that also means that there's more people coming and the competition is a lot more. Okay, Janita, you, when we personally talk about you, you sing in so many languages, you know. So how do you manage to, like, did you do particular training on... I've just been learning along the way. Every time I record a new language, I depend on somebody who's a native speaker, and they teach me what to do, and I just work hard. Okay, since we are talking to you, so it's not at all possible for you, like, leaving you without making you sing. Sure, what do you want so, me to sing? Whichever is your favorite and you want us to listen to that. Oh my gosh. I'll sing a few lines of the song that they mentioned today, yes, which is the song that I won Best Female for, yeah. Hilaria. Hilaria. रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं तुम दोपहरिया,
मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना थैंक यू थैंक यू सो मच और मुंह पकड़ने भी तो होना चाहिए ना लॉजिकली ओके सो आज का आफ्टरनून स्मूल यू नो मिर्ची कैसा रहा सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कंपटीशन कितना टफ था कंपटीशन बहुत टफ था क्योंकि एक तो बहुत सारे लोगों में से सिर्फ 5 लोगों को चुना है सो ऑब्वियसली यू नो 5 आर वेरी नहीं थे 5 थे बट आई थिंक दे वर इक्वली सो गुड दैट इट वाज वेरी वेरी टफ और यू नो जजिंग पैनल में बैठना तो वो प्रेशर कितना किस प्रेशर से गुजरे आई थिंक द प्रेशर वाज मेनली दैट वी वर जजिंग समबडी हु वाज गोना गेट टू बी अ पार्ट ऑफ मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स वेयर देयर आर यू नो सच स्टेलर म्यूजिशियंस एंड सच लेजेंड्स कम टू वॉच दैट a watch show and plus it also telecast so of course there's a big responsibility to cast that one person who fits on that stage you know very naturally and organically so I think Ashmik Patil is who we've chosen now I think it was the overall package he sings beautifully I think according to me he sang the best and he has a very good personality also so I think that's a win-win and I think because music and the Mirchi Music Awards are the only music awards that we have you know So for musicians like us musicians, because so it's very important like you know udhar kya hone wala hai what every year is going to be like and that is one awards that obviously there are other awards that we go to and stuff but music awards are only those so we look forward to every act and I think jitni importance Mirchi music awards music ko sirf dete hain singers and all singers film non film so that itself is you know it's like that they say it's the Grammys of India yeah. so wo bahut badi cheez hai at least musicians ke liye we look forward to it every year and cannot wait to actually perform there and see Ashmik now perform as well okay also there are two three singers who were jinke mom dad jo the wo singers the aapke bhi mom actually lot of people know this and a lot of people don't know this also but mom has been a music teacher for over 12 15 years in Delhi and hum sab Delhi se the and because of our careers and we have an elder sister so all of us moved to Bombay basically ghar mein sab log gana gaate hain dad ke alawa sab log gana hi gaate hain so it's amazing like I, obviously there were stories and you know there were AVs made on every singer we can yeah. absolutely connect kyunki agar ghar ka mahol hi music ka hota hai to you can't like anything else yeah. that's what happened to us also so as I much as they push you to be, even if there's nobody who's singing in your DNA but music is such a beautiful thing that it just grows from when it starts you know it's not something that can stop plus and also it's sing, a gift you know yeah. it also gets passed on generations so I could understand because they were so talented yeah Each one of them. Okay, so Priti, Boom Brothers भी थे judging panel में. आपने boss से शुरुआत की है. हम दोनों ने in fact. हाँ, दोनों ने. तो वो memories कितनी ताज़ा हैं. Amazing. I think every time we meet them, it's just our heart is full of love, respect, and music for them. You know, because it's been an amazing association. And like अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बोला था. I think the first time we went into a studio was at their studio, and we've been very lucky that they have you know been there supporting us through our whole journey. Now we've been for in the movies for the last 6 years वैसे तो हम स्टेज पे 16 years old थे तब से हैं but very thankful and but I think they are amazing people and you know musicians such hai wo sabko pata hai but other than that also they like you know they really like a family in fact mera unka unke sath ek non film gana bhi hai jo lauren pe shoot hua tha it's called yaari ve so you know I know they are somebody who support non film just as much as film which is great which in a time like today right Okay, lastly, 2019 में fans को क्या-क्या मिलने वाला है? Lot of surprises on the way. But थोड़ी अगर hint अगर देनी हो तो इस महीने में there's gonna be a single dropping from our end. I think in the next 10 days you're gonna see something that me and Prakriti have exclusively. It's like our little baby. For the first time, collaborated together. You'll see us in the music video, and we can't reveal the name. I think we're waiting for the official announcement, but it's. But you're gonna be seeing the official announcement very soon on the channel of T-Series and Vishas Luck. बस बहुत सारा ओके विशिंग अ वेरी गुड लक थैंक यू सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज की ये आफ्टरनून कैसी रही यू नो 5 टॉप सिंगर्स थे यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया था कैसा रहा उनका आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हमने ये एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था हमको लगा ऑब्वियसली स्मूल कवर आर्टिस्ट ये कॉम्पिटिशन है तो बहुत ही एमेच्योर और रैंडम सिंगर्स होंगे
क्योंकि मोस्टली जो हमने कॉम्पिटिशन्स जो जज किए हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे बहुत ट्रेंड और सीखे हुए सिंगर्स आते हैं, कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत बहुत हाई होता है. तो आज तो हम बहुत कैजुअल अप्रोच से आए थे कि बहुत कैजुअल सा होगा, बट वी वर सरप्राइज दैट इट वॉज नॉट कैजुअल एट ऑल. दीज सिंगर्स वर वेरी वेरी गुड, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग. उनकी चाहे वो गाने की सिलेक्शन हो या पिचिंग, आवाज़ की पिचिंग हो या फिर वो एक गाने का तरीका हो, बहुत अच्छे, मतलब 10-13 हज़ार से करते करते. तो आई हैव टू कंग्रेचुलेट द टीम्स फॉर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि उन्होंने हमारे सामने जो लोग ला के रखे उसमें हम 6 जज आपस में कन्फ्यूज़ हो गए कि किसको कौन जीतना चाहिए, बिकॉज दे वर एक्चुअली दैट गुड. ओके, अगर बात करें हम आज के टैलेंट की, तो जैसे कोई भी सिंगर हो या डांसर हो, आजकल इतने सारे ऐप्स हैं या फिर यूट्यूब की ही बात कर लें, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से लगता है कि स्ट्रगल जो है वो कम हो गया है लोगों, मतलब जो आर्टिस्ट है उनके लिए. बिल्कुल कम हो गया स्ट्रगल, मतलब ना के बराबर हो गया है ना भैया, क्योंकि हमारे टाइम पे जब हमने शुरू किया था तब ना तो कोई ऐप्स थे, ना तो कोई ऐसी म्यूज़िक कंपनी भी 150 आर्टिस्ट में से एक का गाना रिलीज़ करती थी. तो हमारा गाना जोगी सिंह मनाला सिंह मीत का जी रिकॉर्ड्स ने रिलीज़ किया, तो उस ज़माने में तो बहुत बड़ी बात हो गई थी कि भैया कौन है नए लोगों को रिलीज़ कर रहे हैं. आज तो मतलब 1000 प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई कहीं से हिट हो रहा है, कहीं से हिट हो रहा है. तो बहुत हमें टेक्नोलॉजी का धन्यवाद देना चाहिए, सारे जितने भी सिंगर्स हैं, कि बैठे बैठे किसी भी कोने में बैठे हैं इंडिया के या वर्ल्ड के, और वहाँ से आपको पूरे दुनिया में आपको फेम मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं. स्मूल जो ये लेके आया है उसके लिए दे ऑल हैव टू बी थैंकफुल, कि ये जो बच्चे जो आए हैं आज यहाँ पे 5, दैट दे शुड बी वेरी थैंकफुल कि ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको आज यहाँ तक, अब इनमें से एक मिर्ची में परफॉर्म करेगा जहाँ पे पूरी फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री होगी, उनके सामने एक सेकेंड में आप घर से बैठे बैठे आ गए. तो ये बहुत बड़ी बात है, इन प्लेटफॉर्म्स को बहुत थैंक करना चाहिए, बिकॉज इनकी वजह से हम असली टैलेंट तक पहुंच पाते हैं. अगर आज की जजिंग पैनल की बात करें तो सुकृति है, उनके साथ काम किया है आपने, बॉस सुकृति प्रगति को पहली बार हमने गाना गवाया था अपनी फिल्म में, और तो कितनी यू नो यादें ताज़ा हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन लोगों ने आपके साथ में काम किया था, तो कुछ मेमोरीज रिकलेक्ट की उन लोगों के. शुरू से पता था कि ये बहुत टैलेंटेड है और ये बहुत ही आगे जाएंगी, और ये जस्ट टोनी कक्कड़, ये लोग सब हमारे सामने बहुत, मतलब दे वर वेरी यंग व्हेन दे वर स्टार्टिंग, लेकिन पता था कि ये सब एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे हैं और आगे निकल के ये लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करेंगे. और जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है. दोनों सिस्टर्स अपने अपने जोन में बहुत कमाल कर रही हैं और गाने भी कमाल के गा रही हैं, परफॉर्म हर जगह ये लोग परफॉर्म करती नज़र आती हैं. टोनी तो एक अपने आप में उसने अपनी एक लीग बनाई है जहाँ पर वो अपना खुद का म्यूज़िक रिलीज़ करता है. तो हम सरप्राइज नहीं है, ये कुछ चीज़ें हमें पहले ही, जैसे नेहा टोनी तो हमारे छोटे भाई बहन हैं जिनको हमने बचपन में लिटली देखा है, और हमने पहले ही उनको बता दिया था कि उनके घर वालों को कि ये दोनों स्टार बनने वाले हैं. सो वी वेरी हैप्पी कि जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ है, और इन लोगों ने अपना पैशन फॉलो किया. तो हर इंसान को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए बहुत ऑनेस्टी से, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको वो दे ही देता है. ओके, आज भी जो फाइनलिस्ट थे उनको भी आप लोगों ने ऑफर किया है कि स्टूडियो में आए, तो एक कोई सिंगर जिसके साथ में आप रियल में काम करना चाहेंगे ऐसा लगा? दोनों लड़कियां बहुत अच्छी थी जिनको हमने इनवाइट किया था, प्रियंका थी और एक गुहा थी, आई फॉरगॉट द फर्स्ट नेम. सो दे वर गुड परफॉर्मर्स एंड हमने उनको इनवाइट किया स्टूडियो में, क्योंकि हमें लगता है कि शोज़ में हम उनको अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा नए और हम अट्रैक्ट ही नए और एकदम फ्रेश लोगों के पे होते हैं. हमारे गानों में आपने सुना होगा कि हमेशा नए सिंगर्स आते हैं, तो इसलिए बिकॉज वी लव वर्किंग विद न्यू पीपल. उनका एक उनकी अपनी किस्मत होती है, डेस्टिनी होती है, तो उसका पार्ट होना हमें बड़ा अच्छा लगता है. ओके, ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि कोई नया अभी फिलहाल में अभी हमारा लेटेस्ट गाना जो एमबी म्यूजिक पे आया, मुझे कैसे पता ना चला, वो बहुत हिट हो गया है. तो अब हम एमबी म्यूजिक पे हम और बहुत सारी मेलोडीज़ लेके आ रहे हैं. मोस्टली हम पार्टी सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं, फिल्मों में तो हमारे गाने आएंगे ही और वहाँ तो आप देखोगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जो हमारा रोमांटिक साइड है, जो अभी लोगों ने पहली बार देखा मुझे कैसे पता ना चला में, जो गाना इतना बड़ा हिट हो गया पापों से गवाया हमने, और ऐसे गाने अभी आने वाले हैं. लव की पूरी सीरीज़ आ रही है एमबी म्यूजिक पे, सो यू गाइस शुड गो एंड सब्सक्राइब टू म्यूजिक एंड वेट फॉर द सॉन्ग्स जो हम लेके आने वाले हैं आपके लिए.